ऑयल फिल्टर आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल को साफ करता है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन ये ऑयल फिल्टर गाड़ी के इंजन ऑयल को साफ कैसे करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो कैसे काम करती है, तो ऑयल फिल्टर के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारी, मजेदार जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो सबसे पहले हम बाहर से देखते हैं मोटा मोटी क्या क्या चीज होती है ऑयल फिल्टर में। ऑयल फिल्टर में आप बारीकी से देखेंगे तो बॉटम में यहाँ पे ये कट्स बने होते हैं जिनकी सहायता से इसको आराम से लगाया जा सकता है और खोला जा सकता है गाड़ी से। दूसरा अगर आप इधर देखेंगे तो आपको दो तरह के होल दिखाई देंगे, एक छोटे छोटे होल आप देख रहे हैं, इनसे जो गंदा ऑयल है वो फिल्टर में अंदर जाता है, और एक बड़ा होल देख रहे हैं, यहाँ से आपका जो छन जाता है फिल्टर साफ जो ऑयल है वो बाहर आता है, और यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए गाड़ी में लगाने के लिए यहीं पे ये चूड़ी कटी होती है, थ्रेड बने होते हैं जिसकी सहायता से ये गाड़ी में फिट किया जाता है। यहाँ पे एक मोटे वाली ओरिंग होती है जिसकी सहायता से इससे लीक ना हो वो रोका जाता है, तो इसको आप आराम से हटा भी सकते हैं, ऐसे पकड़े खींचेंगे तो ये हट जाती है। बाकी इस ऑयल फिल्टर को आप साफ करके दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फिट एक बॉडी में फिट है, कार्ट्रिज टाइप है, अलग से जो मटेरियल है इसका एलिमेंट है उसको आप नहीं निकाल सकते हैं, तो आपको यूज करके और इसको फिर डिस्कार्ड कर देना है, ये वन टाइम यूज है, यूज करके आपको एक तरह से इसको फेंक देना है। तो अब अंदर के अंदर इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, वही मजेदार चीजें हैं, और वो कैसे काम करती हैं, उस चीज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिल्टर को काट के यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो चलिए इसका कट व्यू बनाते हैं और बारीकी से समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और वो कैसे काम करती है। तो ये ऑयल फिल्टर को अब मैंने खोल लिया है, अब एक एक चीज को हम बारीकी से समझते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें होती है और कैसे काम करती है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे एक होती है एंटी ड्रेन ब्लॉक वाल्व। एंटी ड्रेन ब्लॉक वाल्व जैसे इसकी इसका नाम ही है कि ये ड्रेन को ब्लॉक करती है, जैसे कि आपका इंजन जब बंद हो जाता है तो जितने भी इधर फिल्टर में ऑयल रहेगा या आगे वाली लाइन में ऑयल रहेगा उसको वापस क्रैंक केस में जाने से रोकती है, क्योंकि अगर वापस चला गया तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहां पे जो ऑयल था वो पहले से ही वापस जा चुका है, तो वहां पे कुछ देर के लिए आपका इंजन सूखा रन करेगा। तो इसलिए क्या करती है, पूरी पाइपलाइन को यहां तक भर के रखती है, अब फिल्टर को भी पूरा भर के रखती है, तो वापस ऑयल है वो यहां से जो जाने वाला वापस ऑयल है यहां से वहां से नहीं जाने देती, क्योंकि ये इधर से जब ऑयल का प्रेशर आता है तो उसको बंद कर देती है। एक तरह से ये एनआरवी का काम करती है, जब इधर से इस पर प्रेशर पड़ता है तो ये खुल जाती है और जब इधर से प्रेशर पड़ता है तो बंद हो जाती है। अब दूसरा जो चीज़ है वो होती है आपका मेन फिल्टर एलिमेंट। मेन फिल्टर एलिमेंट का क्या काम होता है कि ये आपके ऑयल को जो है वो साफ करता है, यहाँ से ऑयल घुसता है साफ होकर और इधर से निकल जाता है, यहाँ से ऐसे रहता है ना, तो यहाँ पे ऑयल गंदा ऑयल इधर से घुसता है ऐसे ऐसे जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे साफ होकर फिर इधर से साफ ऑयल जो है आपके इंजन में जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहती है, इसमें पीछे की साइड में एक वाल रहती है जो कि होती है बाईपास वाल। ये देखिए इस बाईपास वाल का काम क्या रहता है, इस बाईपास वाल का काम ये रहता है कि अगर ये फिल्टर आपका ब्लॉक हो गया, आपने बहुत दिन तक बहुत ज़्यादा कचरा होने के कारण या बहुत दिनों तक आपने ऑयल चेंज नहीं किया, ये पूरा ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, ब्लॉक होने से क्या है आपके इंजन में फिर आगे ऑयल नहीं जाएगा। लेकिन ये बाईपास वाल क्या करती है, जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा, प्रेशर जैसे ही ज़्यादा बनेगा तो वाल आपकी ऐसे दब जाएगी, अंदर की साइड में ऐसे दब जाएगी वाल। ये होती है वो बाईपास वाल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाली, ये स्प्रिंग लोडेड वाल आप देख सकते हैं, ये रहती है। इसमें क्या है, जब आपका ज़्यादा प्रेशर होता है इधर ऑयल पे, इधर ऑयल का ज़्यादा प्रेशर रहता है, फिल्टर ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से क्या है, यहाँ पे ऐसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये ऐसे स्प्रिंग दब जाएगा यहाँ पे, ये देखिए ऐसे स्प्रिंग ये ऐसे दब जाता है, तो यहाँ से आपका ऑयल जाएगा बिना छनई और इधर से निकल जाएगा, ये स्प्रिंग दब जाएगा तो यहाँ से ऑयल आपका ये देखिए इस तरह से निकल जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपके इंजन में लगातार ऑयल जाता रहेगा, मतलब फिल्टर ब्लॉक होने के बाद भी, तो इसलिए ये बाईपास वाल यहाँ पे दी होती है। ये आपको जनरली दिखाई नहीं देती, ये ऐसे रहती है अंदर, तो आपको दिखाई नहीं देती, अंदर की साइड में यहाँ पे रहती है, यहाँ से आएगा फिल्टर हुए बिना सीधा इधर से पीछे से और सीधे रास्ते से निकल जाएगा। तो इस तरह से ये एक बाईपास वाल का काम करती है। इसका एक और फायदा रहता है इस बाईपास वाल का कि सुबह सुबह ठंडियों में जब आपका ऑयल जो है ज़्यादा मोटा रहता है तब क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, इतनी जल्दी से मोटा ऑयल नहीं चल छन पाता है, उस समय कम ऑयल आपके इंजन में जाता है या बहुत कम जाता है, तो उस समय भी ये क्या करती है, प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, कम ऑयल जाएगा तो ये वाल आपकी खुल जाती है यहाँ से, और वाल खुलने से क्या होगा, फिर अनफिल्टर्ड जो है फ्यूल वो आपके इंजन में चला जाएगा थोड़ी देर तक, जब तक कि वो ऑयल की विस्कोसिटी सही नहीं होती है। तो बिना ब्लॉक हुए भी सुबह सुबह ठंडियों में भी जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं तब भी इस बाईपास वाल्व का रोल होता है। तो ये दो काम इस बाईपास वाल्व के होते हैं, एक तो तब जब फिल्टर ब्लॉक हो जाता है और एक तब जब विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इंजन ऑयल जो है आपका ठंडा रहता है तब आपका ज़्यादा प्रेशर बनने के कारण भी ये थोड़ी सी खुल जाती है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में आपके इंजन को ऑयल लगातार मिलता रहे। तीसरी एक चीज़ इसमें रहती है ये स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्या काम होता है, स्प्रिंग नीचे ऐसे रहता है, ऊपर एलिमेंट रहता है, ऊपर ये रहता है, तो स्प्रिंग इस एलिमेंट को ऊपर की साइड में दबा के रखता है। एक और काम होता है स्प्रिंग का,
कि स्प्रिंग अगर नहीं होगा तो ये पूरा ऐसे सड़ जाएगा, तो फिर नीचे की साइड में जो बाईपास वाल के साइड में ऑयल का प्रेशर कम लगेगा, तो इसलिए स्प्रिंग बीच में डाला जाता है ताकि क्या रहेगा, स्प्रिंग डालने से बीच में ये गैप रहेगा तो वहाँ पे ऑयल रहेगा और प्रेशर अच्छे से उस पर बाईपास वाल पे काम कर सकता है, ये भी उसका एक कारण रहता है। तो इस तरह से आपके ऑयल फिल्टर के अंदर इतनी सारी चीज़ें रहती है और ऐसे काम करती है। अब इस ऑयल फिल्टर के अंदर एलिमेंट के अंदर क्या क्या रहता है उसको भी बारीकी से देखते हैं। तो चलिए इसको भी खोल देते हैं हम जल्दी से। तो इस तरह से पूरा आपका ये इनर पार्ट इसका रहता है, और जिस बाईपास वाल की मैं बात कर रहा था वो है ये वाली बाईपास वाल, ये आप देख पा रहे हैं, अगर ये वाली बाईपास वाल ये। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी भरी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आकर आप बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।